हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस और दिस इज़ किशन आनंदम। और आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हम लोग आपके द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है उसको स्टार्ट कर दिए हैं और उसी का जो पार्ट फर्स्ट है कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोग क्या कवर करेंगे तो स्टोरी ऑफ नेपाल, नेपाल का हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे आज और देखेंगे कि वहाँ जो था स्ट्रगल को लेकर कैसा सिचुएशन था, वहाँ के लोग क्या डिमांड करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक सजेशन है कि अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, आप मुझसे कंफर्टेबल हो, मेरे जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते हैं, तो आप शेयर लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं एक और बात आपसे क्लियर कर दूं कि अगर आप ये मत सोचिएगा कि जो ये चैप्टर है आपके बुक में नहीं होगा, होगा क्योंकि आपके स्कूल में रेफरेंस बुक पढ़ाई जाती है, याद रखिएगा रेफरेंस बुक। सेम ऐसा ही चैप्टर होगा, रेफरेंस बुक होती हैं वो अलग अलग पब्लिकेशन की बुक होती है, मैंने खुद पढ़ा है आपके डिफरेंट पब्लिकेशन के, मैंने खुद एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है बट आपको एनसीईआरटी ही काम आने वाली है। तो याद रखिएगा एनसीईआरटी जो बेस्ट बुक वही आपको पढ़ना है और उसी से कॉन्सेप्ट आपका बनता है आपके रेफरेंस बुक में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और चैप्टर देखते हैं कि क्या है, स्टोरी ऑफ नेपाल। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं स्टोरी ऑफ नेपाल, यानी स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी को समझना है कि नेपाल है उसमें डेमोक्रेसी को लेकर कैसा स्ट्रगल किया गया था। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 1990 से, वहाँ 1990 में जो पीपल थे वो अपना स्ट्रगल स्टार्ट कर चुके थे और डेमोक्रेसी भी इस्टेब्लिश कराए, लेकिन 12 ईयर्स तक कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुआ वो 12 साल के लिए, अंटिल 2002 यानी 2002 तक ही क्या रहा, वो डेमोक्रेसी रहा। अब आता है आपका इन अक्टूबर 2002, यानी अक्टूबर का मंथ आता है और 2002 में जो किंग ज्ञानेंद्र थे उनका एक रीज़न था, उनका एक हवाला था कि जो मॉइस्ट थे यानी इनको कहा जाता है आपके ये माओवादी, ये बढ़ रहे हैं कंट्री में बढ़ रहे हैं, तो इससे वो क्या किए, जो पावर्स थे गवर्नमेंट के वो अपने अकॉर्डिंग चलाने लगे, अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट करने लगे, बहुत सारे एक तरह से अपना ये हवाला दे दिए थे कि ये अपराइजिंग हो रहा है, तो फुल पावर एक तरह से अपने अकॉर्डिंग चला रहे थे। और फाइनली क्या हुआ कि आपके 2005 में क्या हुआ, फाइनली जो था एक तरह से हेड ऑफ द स्टेट यानी फाइनली फुल पावर ये एज्यूम करने लगे, अपने कंट्रोल में टोटली गवर्नमेंट को ले लिए। और जो आपके नवंबर का आपका मंथ आता है और 2005 है आपका ईयर, और जो मॉइस्ट थे उन्होंने क्या किए कि ज्वाइन कर लिए आपके पॉलिटिकल पार्टीज और साइन भी किया 12-point एग्रीमेंट, यानी कम से कम 12 पन्नों का एग्रीमेंट उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्वाइन कर लिया, समझौता कर लिया कि मुझे एक तरह से रीज़न दिया जा रहा था कि हम लोग बढ़ गए इसलिए उन्होंने डेमोक्रेसी को एबॉलिश कर दिया, तो हम ज्वाइन करते हैं और एग्रीमेंट कर लिए उन्होंने शांति के लिए, पीस के लिए, कि हम लोग भी डेमोक्रेसी चाहते हैं। और फिर आता है आपका अप्रैल 2006 जिसमें फाइनली जो किंग था वो कहा कि आप थर्ड पार्लियामेंट आप बनाइए, और पॉलिटिकल पार्टी से भी पूछा उसने कि आप गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए, यानी किंग भी अब एग्री हो गया, उसको भी एक तरह से लगा कि नहीं अब मेरा नहीं चलेगा, चलती तो आप रिस्टोर कीजिए डेमोक्रेसी। तो फाइनली जो है 2008 में आपका नेपाल बिकम ए डेमोक्रेसी आफ्टर एबॉलिश द मोनार्ची। देखो बहुत शॉर्ट स्टोरी था, बहुत शॉर्ट, 1990 से स्टार्ट हुआ और 2008 में फिनिश हो गया। हाँ, ये जो है एक 10th में भी स्टोरी है, पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट है आपका, उसमें भी है, उसमें थोड़ा सा डेप्थ गया है स्टोरी और बहुत अच्छे से। मैंने बस आपके जो पोर्शन है, जो आपके लेवल है, वही मैंने यहाँ रखा है और मैंने क्लास 10th का आपका पॉइंट्स नहीं लाया क्योंकि जो आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके एक और, अब इतना आपका कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नोट में करके मैंने कितना 1, 2, 3 पॉइंट्स हैं, 3 या 4 पॉइंट्स हैं, बहुत आपसे रिलेटेड पॉइंट है, समझ जाओगे बहुत इजी है। स्टार्ट करते हैं, जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का वो कब अडॉप्ट किया गया था, 1990 में, याद रखना है। और जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन 1990 में से स्टोरी स्टार्ट हुआ रहता है, स्ट्रगल स्टार्ट हुआ रहता है और वहीं से क्या होता है एक न्यू, जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम के लिए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा, तो 1990 में क्या होता है अडॉप्ट किया गया था। और वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिफ्लेक्ट करता, रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग, यानी जो फाइनल अथॉरिटी होगा रेस्टेड विद द किंग के पास रहेगा, जो फाइनल अथॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म होगा लेकिन जो फाइनल रेस्ट ऑफ पावर्स होंगे, अथॉरिटीज होंगे, वो किंग के पास होंगी, यानी इतना वो कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता था एक किंग को। लेकिन इन 2006 हमने देखा कि जो फाइनली क्या हुआ, इन द रूल ऑफ किंग, किंग का जो था आपका रूल खत्म हो चुका था और हम वहाँ क्या हुआ, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुआ। फिर ये मैंने एक पॉइंट लिखा, ये पॉइंट ना पर कम, ये पॉइंट पढ़ेंगे उसके बाद इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। देखो नेपाल का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब अडॉप्ट हुआ था, तो 2015 में आपका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, अडॉप्ट किया गया। अब सवाल आता है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अडॉप्ट किया गया, उसका पुराना कॉन्स्टिट्यूशन तो था ही 1990 में, लेकिन जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या कर रहा था, आपके डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियाज
ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी। यानी सिंपली है कि जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था वो नेपाल का ओपिनियन थॉट्स को रिप्रेजेंट नहीं करता था, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता था कि नेपाल क्या होना चाहिए और उसमें क्या क्या नेपाल चाहता है, नेपाल के लोग चाहते हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता था वो कॉन्स्टिट्यूशन आपके। इसलिए जो नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बना आपके 2015 में, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल के लिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट हम लोग का, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिफाइन करता है द नेचर ऑफ ए कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। यानी आपके कंट्री का जो राजनीतिक तंत्र है, जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, वो कैसा है, उसको भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही डिस्क्राइब करता है, आपका शो करता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत कुछ पावर आपके अथॉरिटीज दी हुई रहती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक डिफाइन करता है नेचर ऑफ कंट्री और पॉलिटिकल सिस्टम को। तो यही था आपके स्टोरी ऑफ नेपाल, सॉरी स्टोरी ऑफ नेपाल का, जो स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी के लिए हुआ था। और आप बहुत ही शॉर्ट है आपका स्टोरी, ज़्यादा नहीं है, लॉन्ग है नहीं, क्लास 10 में लॉन्ग है, क्लास 10 में पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट में थोड़ा सा डेप्थ में है, नहीं तो आपने बहुत ही शॉर्ट दिया है और मैंने शॉर्ट ही आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की है, जिससे कि आपके जो लेवल है वो आपका कंप्लीट हो, मतलब क्लास 8 में हो, तो क्लास 8 के लेवल आपके पास की जो बातें हैं, जो NCERT की टेक्स्ट की जो पूरी बातें वो आप तक पहुँच जाए, मैंने वही कंप्लीट की है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, आप कॉमेंट कर सकते हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों को और आपके जो क्लासमेट्स हैं, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स, उन्हें शेयर कीजिए और उन्हें भी बोलिए कि चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट स्टोरी के साथ, वो भी क्लास 8 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ।